Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss a very very important topic जो कि higher education में every time आपसे पूछा जाता है. तो make sure आप इस topic को अपने short notes में, अपने जो भी content आपने ready किया है उसके अंदर जरूर add on करें. Because ये जो particular आप लोगों का important topic है most of the shift के अंदर पूछा जाता है, I mean most of the cycle के अंदर पूछा जाता है, right? So quickly let's start with the session and don't forget to like and share the same and also subscribe the channel. So national नॉलेज कमीशन, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट करते क्लास को. जो नेशनल नॉलेज कमीशन है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट कमीशन में से कंसिडर किया जाता है, करेक्ट है. अब ये जो कमीशन है, आप लोगों का सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो पर्टिकुलर कमीशन है वो अगर हम बात करते हैं तो कब का ये कमीशन, ये प्री इंडिपेंडेंस में काउंट किया जाएगा या फिर आप लोगों का पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर काउंट किया जाता है. तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का कमीशन माना जाता है. पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसका एस्टेब्लिशमेंट बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, वो बनाया गया था. ये एक थिंक टैंक का काम करता, मतलब जहां पर पॉलिसीज को आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से. एनकेसी क्या है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता, हालांकि अभी इतना इजी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि सिर्फ वो फुल फॉर्म पूछे, बट स्टिल अगर कहीं पे एनकेसी लिखा है इट मीन्स वो नेशनल नॉलेज कमीशन को डेडिकेट करता है. तो यहाँ पर जिसकी इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो कब आता है, 13 जून 2005 में. अब की इसका डेट भी याद रखिएगा, बिकॉज अब की बार अगर आप बात करोगे तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं. अगर कोई ऐसी कमीशन, कोई कमेटी आता है जो इसी के आसपास बनती है तो उस टाई को तोड़ने के लिए आपको जो मेजर है, सबका डेट याद रखना नॉट पॉसिबल, तो मेजर का आपको क्या याद रखना है, डेट्स याद रखना है. तो आप बोल सकते हैं ये कब आया था, 13 जून 2005. At that time, Prime Minister कौन थे, मनमोहन सिंह. तो कितने questions हैं, full form, think tank किसको बोला जाता है, second question, उसके साथ साथ कब इसको form किया गया था, fourth question, उस time पे कौन Prime Minister थे, आपका fourth question आ जाता है. अगर इसकी डीफंक्शनिंग की बात करते हैं, इसको डिसॉल्व की बात करते हैं, तो ये कब किया गया था, इसको डिसॉल्व 2014 में. ये यहाँ से 5 क्वेश्चन एक स्लाइड से आपके बन जाते हैं और नेक्स्ट आपका ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का कमीशन कंसीडर किया जाता है. एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों की थ्योरी क्लासेज 11:30 पे ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को जो मेरी क्लासेज जाती हैं, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेज हैं, तो मेक श्योर आप इन थ्योरी क्लासेस को भी अटेंड करें, बिकॉज अभी आपको थ्योरी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो भी PYQs हैं, जो कि दिसंबर 23 में आपकी काफी हेल्प करेगा. एंड कोई भी आपका डाउट है प्लीज कनेक्ट ऑन दिस नंबर या गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उस पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपका सेल भी ऑनगोइंग है, ठीक है. तो वहां पर भी अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर दिसंबर साइकिल, देन दिस इज द राइट टाइम सो दैट यू कैन मेक प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू ए वेल प्लान स्ट्रक्चर. एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट सेशन PDF नोट एंड रिलेटेड अपडेट्स, करेक्ट है. After that, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और चीज आती है, एक रेगुलेटरी बॉडी की जो स्थापना है उसकी बात की जाती है, ठीक है. उसका नाम क्या था, IRAHE. ये याद रखना कि IRAHE की स्थापना किसने की थी, ये आपका नेशनल नॉलेज कमीशन की, नेशनल नॉलेज कमीशन की क्या है, रिकमेंडेशन है. सो एक क्लियर रिक्वायरमेंट बताई गई, क्लियर रिक्वायरमेंट बताई गई टू एस्टेब्लिश करना एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एडुकेशन. बिकॉज हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, नेसेसिटी भी थी और डिजायरेबिलिटी दोनों ही कंसिडर किया गया, उसके कारण मैं कुछ डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ. देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री था, ठीक है, परहैप्स वर्ड यहाँ पर स्पेशली यूज किया गया है, जहां पर वेयर रेगुलेशन इन 4 of the 5 फंक्शन इज कैरीड आउट बाय 1 एंटिटी, दैट इज UGC. सर जितने भी काम करता है, जैसे कि अभी हम बात करते हैं NEP 2020 की, तो HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया गया. तो ऐसे ही UGC क्या करता है, सारे काम UGC के ऊपर है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई. तो IRAHE की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पर्पज था कि इसको क्रिएट किया जाए ताकि इन फंक्शनलिटी को थोड़ा सेपरेशन के अंदर डाल दिया जाए, कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए कि किस तरीके से एंट्री डालनी है, किस तरीके से अक्रेडेशन करनी है, थोड़ा सा मतलब जो लिमिटेशन है या लिमिट्स है वो UGC की सेट कर दी जाए, जो रोल है UGC का लिमिटेड कर दिया जाए टू डिसबर्सिंग पब्लिक फंड. ये NKC की डिस्कशंस की बात है. एक सेकंड दीजिएगा.
हाँ जी ना ओके जी। तो अब इस तरीके से यहाँ पर बातें की गई। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ जितनी भी अदर बॉडीज या एजेंसीज है, जैसे कि AICT है, ठीक है, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, जबकि MCI BCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको अपने रोल लिमिटेड सेटलमेंट कर दो। जैसे कि HECI ने क्या किया, बाकी सबको कंसिडर किया, बट मेडिकल को और लॉ को क्या किया, यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया। तो ये बात आपकी कौन से कमीशन में हुई, नेशनल नॉलेज कमीशन में हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके नंबर और साइज के अकॉर्डिंग। इंडिया में अराउंड 350 यूनिवर्सिटीज थी, एक टेंटेटिव आइडिया दे रखा है। तो इन्होंने बोला कि और ज्यादा यूनिवर्सिटीज को, एक लार्जर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जरूरत है, मतलब नेशन वाइड हमें 1500 यूनिवर्सिटीज की स्थापना करनी है बाय 2015। ये है नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात है। और कितनी, 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना करो, ठीक है, 1500 यूनिवर्सिटी बाय 2015। नेशनल यूनिवर्सिटी कितनी बोली, 50, और GER को अचीव करने का 15%। ये आपको 15-15 का डेटा याद रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, करेक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है नॉलेज पेंटागन के बारे में इसने बात किया, ठीक है। नॉलेज पेंटागन के बारे में इसने क्या किया, बात किया। तो इसका निमोनिक है AC की आस। ए का मतलब एक्सेस, ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज हो। देन उसके बाद नॉलेज कॉन्सेप्ट की बात की है। C4 यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है, C4 यहाँ पर क्रिएशन की बात आता है, उसकी एप्लीकेशन भी तैयार होनी चाहिए। तो A4 एप्लीकेशन, और सर्विसेज मतलब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी हो। तो इस नॉलेज पेंटागन की यहाँ पर बात की गई, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे चीजें कवर कर दिया है। अब छोटा सा अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर साइकिल, देन मेक श्योर यू ज्वाइन स्ट्रक्चर कोर्सेज, ताकि आप स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी कर पाएं। पेपर 1 पेपर 2 इंक्लूडेड रहेगा इसमें। फॉर मोर डिटेल्स आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या बॉटम बार पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, यहाँ पर आप बॉटम बार पे जो नंबर दिया उस पे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ 22 सितंबर को आपका एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहाँ पर 8 से 8 o'clock टू 11:59 तक आप इसमें अपियर कर सकते हैं, और अप टू 90% स्कॉलरशिप का पार्ट बन सकते हैं। तो आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आपका, जो कि 22 में पूछा गया था, सिर्फ इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसके साथ कौन सा कॉलम मैच करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वंस अगेन।